बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आप सबके लाडले आदरणीय नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय विनोद भ्याणा जी, विधायक हांसी जिन्होंने लंबे समय तक सेना के अंदर सेवा की और पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, आदरणीय वेद नारंग जी पूर्व विधायक के सामने बैठे हुए नलवा हल्का के गांव और शहर से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं आप सबके साथ मिलकर के अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से यहां नलवा हल्का में पहुंचने पर और राजकुमार जी बैठे गांव के सरपंच यहां श्यापुर के अंदर पहुंचे हैं, तो मैं तमाम ग्रामवासियों की तरफ से भी मैं माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये रैली हमने 22 तारीख की रखी थी कि यहां हलके के लिए और काफी जो घोषणाएं हैं वो करवाने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपको पता है कि 16 तारीख को आचार संहिता लग गई और इसलिए और घोषणाएं तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, यूं मान लो हमारे घोषणा पत्र में ही है, वो आते ही उसको पूरा करने का काम हम करेंगे, आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय नायब सैनी जी का इसलिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि जब से ये बागडोर इन्होंने हरियाणा प्रदेश की संभालने का काम किया है, तब से ही लगातार दिन रात एक करके और आप तक सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस बात पे उन्होंने जोर दे करके और आज अनेक इस तरीके की घोषणाएं करने का काम किया और उनको लागू करवाने का काम किया जो आज तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि आदरणीय नायब सैनी जी ने अभी हमारे बरसात लेट हुई और बरसात लेट होती है तो फिर किसान का खर्चा बढ़ जाता है। आदरणीय नायब सैनी जी एक खुद किसान परिवार से आते हैं, गांव में रहने वाले हैं, इसलिए इनको पता है कि जब बरसात लेट होती है तो डीजल फूंक करके किसान खेतों के अंदर पानी लगाता है और इसलिए इन्होंने तुरंत अधिकारी बुला करके घोषणा करने का काम किया कि हम 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को खर्चे की भरपाई करने के लिए देंगे। यह पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे से पहले जो कांग्रेस के लोग हैं किसानों को दो दो पांच पांच रुपए के चेक देकर के अपमानित करने का काम करते थे। साथियों, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरीके से जहां हमने चुनाव के अंदर वायदे करने का काम किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, हमने गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी अनेक जगह पर जहां वाटरवर्क्स नहीं थे वाटरवर्क्स बनाने का काम किया और जहां पुरानी पाइपलाइनें थी उनको जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइनें लगाने का काम किया, वो आप सबके सामने है। नलवा दो भागों में बटा हुआ है, नलवा शहरी और नलवा ग्रामीण। नलवा शहरी की अगर मैं बात करूं तो आजाद नगर के अंदर हमने 10 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक बनाने का काम किया। पटेल नगर के अंदर जो हमारा सेक्टर 15 के अंदर जो वाटर वर्क्स है वहां 4.5 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक नया बनाने का काम किया और अमृत योजना के तहत जो है नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया और आज वहां पानी की कोई किल्लत और परेशानी नहीं है, समुचित हर जगह पे पानी जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो चाहे कैमरी रोड के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की बात हो, लाइटें लगवाने की बात हो, और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय नायब सैनी जी का कि पिछले दिनों जब
हमारे हल्के के अंदर आए थे तो गंगवार रोड पर भी उन्होंने उसी टाइम ये घोषणा करने का काम किया कि 29 करोड़ की लागत से मॉडल रोड बनाया जाएगा बायपास तक, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। और इसी तरीके से चाहे अर्बन हेल्थ सेंटर नया बनाने की बात उसमें आजाद नगर में थी, वो भी तुरंत मानने का काम किया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। और चाहे गांव की बात हो, गांव के अंदर भी हमने हर जगह पे जहां वाटरवर्क्स नहीं थे, हरिकोट के अंदर वाटरवर्क्स नहीं था, नया वाटरवर्क्स बनाने का काम किया, गुंजार के अंदर हमने बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया। इसी तरीके से हमारे, क्योंकि ये एरिया जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीने के पानी की काफी किल्लत थी, हमने शीशवाड़ा के अंदर 25 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जो एक रॉ वाटर के लिए टैंक बना करके, जिसमें 8 गांवों के अंदर आज जो है पानी जाता है ताकि वहां पानी की कोई किल्लत और परेशानी ना हो। इसी तरीके से चाहे वो पानी हमें और ज्यादा कैसे मिले, इसके लिए न्यू शिवानी फीडर भी बनकर के कंप्लीट हो गई और रेनी सीजन के अंदर उसके अंदर भी पानी आना शुरू हो गया। हमें जो बरसाती सीजन जो हमारा होता है उसके अंदर भी, क्योंकि हमेशा ही यहां तो पानी का टोटा हमेशा रहता है, अब हम दो बारी देने के अंदर भी बरसाती सीजन के अंदर सक्षम है। और चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पक्के नाले बनाने की बात हो, और चाहे गांव के अंदर चौपाले बनाने की बात हो, हर जगह पे पैसा खर्च करने का काम किया हमने। नड़वा हल्का के अंदर शिक्षा का स्तर, शिक्षा किस तरीके से ज्यादा हमारे बच्चों को मिले, इसके लिए हमने नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, आर्यनगर के अंदर भी संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम किया, गंगवा के अंदर पीएम श्री स्कूल जो हमारा अभी बना है, और मंगाड़ी के अंदर जो हमारी सबसे बड़ा गांव है उसके अंदर एक कॉलेज का निर्माण भी अभी इसी क्रम के अंदर हमने कराने का काम किया है और कॉलेज की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने हर जगह पे जो है डेवलपमेंट के कार्य करवाने का काम किया है। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी देने का काम किया था उसको निभाते हुए हमने हल्के के अंदर किस तरीके से ज्यादा विकास हो उस पर कार्य करने का काम किया, और आज जो बड़े गांव है उसको महाग्राम योजना के अंदर जोड़ा जा रहा है। आज गंगवा जो बड़ा गांव है उसके अंदर आज 78 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो महाग्राम योजना के अंदर लेकर के शिविरकार पानी का काम जो है शुरू हो चुका है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, जो पिछले दिनों आए थे और हमने मांग रखी थी कि बड़े गांव दो और है, आर्यनगर और कैमरी गांव, उनको भी महाग्राम में ले लिया जाए। उन्होंने तुरंत उस बात को मानते हुए उसपे भी सीएम कोड लग गया है और उसके अंदर एस्टिमेट वगैरह बन करके तैयार होकर के चंडीगढ़ जो है वो चले गए हैं। यानी हर हमारे जो गांव है उसके अंदर भी शहरों जैसी सुविधाएं, शिविर की, पानी की देने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी। साथियों, मैं विशेष तौर से आप सबका तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जब भी कोई भी जिम्मेदारी नड़वा हल्के के हो पार्टी की तरफ से लगाने का काम करते हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी एक परिवार की तरह से मिलकर के उसको पूरा करने का काम हमेशा करने का काम करते हैं। और मैं विशेष तौर से नायब सैनी जी का बताना चाहूंगा कि आदरणीय सैनी साहब, अब तो जब भी कोई आता है साथी गांव से एक ही बात कहता है कि नायब सैनी जी को साल एक पहले और ले आंदे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक साल नहीं, बल्कि ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा जी, जो गांव के लोग आकर के कहते हैं, बताओ कहते हो कि नहीं कहते हो, सारे के सारे ये कहते हैं जी। मैं आपको एक ही बात निवेदन करूंगा कि 1 तारीख का आपको पता ही है कि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, 1 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा देना, 1 साल नहीं बल्कि 5 साल के लिए आप लोग रिन्यू करने का काम आप तमाम हल्के के लोग करेंगे। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को नड़वा से एक बार फिर से कमल का फूल खिलाने का काम तमाम साथी करने का काम करेंगे।
हाथ खड़े करके विश्वास दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सारे के सारे, हमारी माताएं बहनें भी, सारे भाई विश्वास दिलाने का काम करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आदरणीय नायब सैनी जी की मीटिंग कोर कमेटी की शाम को बुलाई हुई है, अभी यमुनानगर के अंदर भी एक रैली को संबोधित करना है, हम और आप तो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से मैं तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय नायब सैनी जी को कि जो भी आपकी तरफ से दिशा निर्देश आएंगे, पार्टी संगठन की तरफ से आएंगे, हम तमाम कार्यकर्ता साथी मिलकर के उनको पूरा करने का काम करेंगे और आपके हाथ मजबूत करने के लिए नड़वा से निश्चित तौर पर भारी संख्या में यहां से जिता करके कैंडिडेट को भेजने का काम ये तमाम नड़वा हल्के की सरदारी करने का काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बार फिर से नायब सैनी जी का यहां पहुंचने पर मैं हृदय की गहराई से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।